राजस्थान के चुरू जिले की बीदासर तहसील में अलवर के थाना गाजी इलाके में हुई पति पत्नी के साथ पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर पीड़िता को न्याय की गुहार में बीदासर के सर्व समाज के लोगों द्वारा पीड़िता के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर राज्यपाल का नाम तहसीलदार मीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा गया एवं सर्व समाज के लोगों द्वारा उपखंड कार्यालय के आगे प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दलित थी न वो बेटी ओबीसी की थी न वो बेटी सामान्य थी, वो एक बेटी बेटी थी। बेटी की कई जातियां हैं, लोग उसे दलित जनरल और सामान्य में करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है बेटी की कई जातियां, बहन है बेटी, बेटी माँ है, बेटी बुआ है, बेटी दादी है, बेटी चाची है, बेटी नानी है। अगर जिनके घरों में इतने प्रकार की रिश्ते वाली कोई भी बेटी है तो उनको धरातल पे आके प्रत्येक जगह जहाँ पर भी रह रहे हैं उनको विरोध करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि पुलिस प्रशासन, अलवर पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री ने अपने चुनावों के कारण इस मामले को दबाए रखा। अलवर ही नहीं, भरतपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार, भीलवाड़ा में बलात्कार के बाद हत्या, उदयपुर में दुल्हन का अपहरण, ये हमारे राजस्थान को धूमिल करने वाले वाक्य हुए हैं। मैं पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार के विरुद्ध राज्यपाल को निवेदन करना चाहूँगा कि सीबीआई जांच करवा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिनके साथ ये घटना हुई है उनको न्याय मिले। सर, राजस्थान के अंदर बेटियों के साथ कई बार अत्याचार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन व सरकार के आला अधिकारी कोई भी किसी प्रकार की सूझबूझ नहीं ले रहे हैं, क्या कहें? ये सूझबूझ का विषय है कि जनता का जब जमीन मर जाता है तब पुलिस प्रशासन और सरकार नाकाम रह जाती है। हम देखते हैं विदेशों में जब लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं तब वहाँ की सरकारें मामले को संज्ञान में लेती है, और हमारे यहाँ भारत की जनता सिर्फ राजनेताओं को देखने के लिए, फिल्मी स्टार को देखने के लिए जरूर पहुँच जाती है। जिस प्रकार मैं अपने चूरू की बात कहूँ तो चूरू में सनी देओल आई थी भाजपा से और कांग्रेस हमेशा पटेल आई थी, तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग धूप में सड़कों पर थे। लेकिन आप जो यहाँ देख रहे हैं बेटियों को न्याय दिलाने की बात होती है तब यहाँ पर चंद ही लोग खड़े हो पाते। इसी का कारण है कि राजस्थान में ही नहीं संपूर्ण भारत में बेटियों के साथ अन्याय होता है, और पुलिस प्रशासन और सरकार को पूर्ण विश्वास है कि जनता कुछ बोलेगी नहीं, और जनता जब बोलेगी नहीं तो वो लोग पर्दे के आड़ में पैसे भी कमाएंगे और बेटियों की इज्जत लूटे उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बेटी गरीब की है। और भी कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे बातचीत की। वर्तमान में राजस्थान में संपूर्ण घटनाक्रम जो कि एक मानव घटनाएं हैं, आए दिन ये घटनाएं घटती है कभी क्षेत्र में, तो फिर लोग एक पति पत्नी जो बाइक पर जा रहे हैं उनके साथ दरिंदे ये अमानवीय कृत्य करते हैं, इसमें पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जो भी सरकारी बैठी है